हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश की मिश्री। अवे ऑफ सक्सेस जो हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर 5 जी हाँ एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 5 हम लोग जब पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम का, ये हमारा अगला वीडियो है हम लोग का जो था लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। जी हाँ, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि और गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका हमारा ये अगला पार्ट है, हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। और पूरा पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बिल्कुल भी बीच से स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए वीडियो, ओके। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कि लिंग निर्धारण की क्रियाविधि क्या थी और गुणसूत्रों द्वारा किस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है, तो उसमें हमारा जो दूसरा था वो हमारा था यक्स 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 और यक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो इसमें किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है, तो ये यक्स जीरो है जहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी हमारा गुणसूत्र हमारा क्या है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा अनुपस्थिति है। जैसे कि किस में होता है, हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे टिड्डी खटमल और कृमियों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, यक्स यक्स और यक्स यक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। मादा में अगर बात करेंगे तो जो मादा में यक्स यक्स गुणसूत्र पाया जाएगा और नर में क्या पाया जाएगा, यक्स जीरो गुणसूत्र पाया जाएगा। जब इन दोनों के बीच निषेचन की क्रिया होगी तो इनका जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, यक्स और यक्स में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, यक्स और जीरो में, यक्स से यक्स बना लेगा, यक्स यक्स हो जाएगा और ये यक्स इस यक्स जीरो से बनाएगा, यक्स जीरो हो जाएगा, ये यक्स इस यक्स से बनाएगा यक्स यक्स और ये यक्स इस जीरो से बनाएगा, यक्स जीरो हमारा हो जाएगा। यक्स यक्स बनता है तो हमेशा क्या बनता है, आप जानते हैं मादा बनेगा, यक्स जीरो क्या बनता है हमेशा नर बनेगा, यक्स यक्स क्या बनेगा मादा बनेगा, यक्स जीरो क्या बनेगा हमारा नर बनता है। अगर इसमें देखें तो देखते हैं दो नर और दो मादा, यानी कि 50% इसमें नर बनते हैं और 50% क्या बन रही हमारी मादाएं बन रही हैं, ओके। चलिए तीसरा आपका जो एग्जांपल आता है, तीसरा आता है जेड डब्लू और जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो इसमें हमारा कीटों में होता है, कीटों में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं और किसमें मछलियों में और किसमें सरीसृपों में जेड डब्लू और जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगर हम बात करेंगे मादाओं में, अगर बात करें हम लोग मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो मादाओं में जेड डब्लू गुणसूत्र पाया जाता है और नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा जेड जेड गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में जेड डब्लू और नर में जेड जेड गुणसूत्र पाया जाता है। इन दोनों का सर्वप्रथम क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है निषेचन क्रिया करने से पहले, तो ये जेड जेड डब्लू जेड और जेड में हमारा टूटेगा। जब जेड जेड से करेगा तो क्या बनाएगा हमारा जेड जेड, जब जेड से जेड जेड और जेड, जब डब्लू और जेड से जेड डब्लू और डब्लू और जेड से क्या बनाएगा हमारा जेड डब्लू हमारा बनाएगा। तो अगर इसमें भी देखें तो 50% मादाएं बनेगी और 50% क्या हमारे
नर युग्मकों का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों निर्माण होगा। ओके, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो चौथा आता है, चौथा आपका आता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे जंतु होते हैं, वो होता है हमारा चौथा, होता है हमारा जेड ओ व जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। ये जो जेड ओ और जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। सर्वप्रथम हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किसमें होता है, तो हमारा तितलियों में और मॉथ में हमारा जेड ओ व जेड जेड गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ये मॉथ क्या होता है, तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे, या फिर आप देखते होंगे कि आपकी जो दीवार से कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे, और ये दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है, तो चिपका ही रखता है, ये हटता नहीं, ये हमारा क्या होता है, मॉथ होता है। ओके, याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर हम लोग मादाओं में देखें, तो मादाओं में जो गुणसूत्र होती है मादा में, वो होती है जेड ओ, और नर में बात करेंगे तो नर में कौन सा होता है, जेड जेड हमारा नर में होता है। ये जेड ओ का हम जानते हैं आप क्या होता है हमारा, ये ओ क्या है हमारा, यहाँ पे ओ या फिर ले सकते हैं या फिर जीरो, जहाँ पे कोई भी गुणसूत्र नहीं होता, यानी कि एक गुणसूत्र क्या होता है हमारा, अनुपस्थिति होता है, ठीक है। जेड में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा ओ होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा दोनों में, ये आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब क्या होगा, जेड से जेड का क्रॉस कराएंगे, जेड जेड, जेड का जेड से क्रॉस कराएंगे, जेड जेड, ओ का जेड से क्रॉस कराएंगे, ओ जेड, और ओ का जेड से क्रॉस कराएंगे, ओ जेड बनेगा, फिर जेड ओ बनेगा। अगर इसमें देखें तो जेड जेड हमारा क्या है, नर है, ये भी नर है, ये मादा है, और ये भी क्या है, मादा है। इसमें भी देखें तो इसमें भी 50% नर और 50% हमारी क्या बन रही है, मादाएं बन रही हैं, 50% नर और 50% मादाएं यहाँ पे हमारी बन रही हैं। ओके, अब आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा आता है, वो हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, द्विगुणित और अगुणित क्रिया के द्वारा लिंग का निर्धारण किस कैसे होता है। तो हम लोग हेडिंग क्या रहेगी, वो रहेगी द्विगुणित व अगुणित क्रिया, यानी कि द्विगुणित और अगुणित द्वारा हमारा गुणसूत्रों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसको हम इसमें समझाएंगे। अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे हमारी चींटियां होती हैं, क्या हमारी चींटियां, बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, चींटियां हमारी होती हैं, चींटियां और क्या, मधुमक्खियों में हमारा द्विगुणित अगुणित क्रिया होती है। मधुमक्खी तीन प्रकार से होती है, एक होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरी जो होती है आपकी नर या फिर ड्रोन। अगर रानी देखें तो हमारी द्विगुणित मधुमक्खी होती है, श्रमिक भी द्विगुणित मधुमक्खी होती है, लेकिन ड्रोन हमारी अगुणित मधुमक्खी होती है। अब कहेंगे इसके द्वारा कैसे होता है, तो जो रानी होती है, रानी द्विगुणित होती है, और ड्रोन यानी कि नर हमारा क्या होता है, अगुणित होता है। इन दोनों क्रॉस होता है, सबसे पहले क्या होता है, अर्धसूत्रीभाजन यन में टूटेगा, और यहाँ भी यन टूटेगा, और इसमें समसूत्रीभाजन होगा, क्योंकि यन बाय टू नहीं हो सकता, इसमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, समसूत्रीभाजन होगा।
जब एक रानी और एक ड्रोन से करेगा तो यहाँ पे द्विगृहित बनेगा। अब यहाँ पे हमारा या तो रानी मधुमक्खी बनेगी या फिर श्रमिक मधुमक्खी बनेगी, या फिर रानी या फिर श्रमिक। लेकिन हम कहेंगे ड्रोन कब बनेगा, तो जो ड्रोन बनता है यहाँ पे, जो ड्रोन बनता है वो हमारा रानी मधुमक्खी की अर्धसूत्री भाजन जो एक हमारा यहाँ पे युग्म बचा है इसके द्वारा बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है, हमारा ड्रोन का निर्माण होता है। ड्रोन यानी कि नर, हमारे किसी भी नर युग्मक का निर्माण होता है। रानी मधुमक्खी जो हमारा एक यहाँ पे युग्म बनता है इससे हमारा क्या बनता है, किसी भी ड्रोन या फिर नर मधुमक्खी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यन, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होती है, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक जनन वो होता है जिसमें बिना निषेचन के, देखिए रानी किसी निषेचन करी बिल्कुल नहीं, बल्कि रानी ड्रोन निषेचन करके रानी या फिर समूह श्रमिक मधुमक्खी बना रहे हैं, लेकिन ड्रोन का निर्माण कैसे हो रहा है, रानी के ही अर्धसूत्री भाजन जो एक युग्मक बन रहा है इसके ही द्वारा यहाँ पे बन रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का हमारा अगला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले वीडियो मिलेगा, अगला पार्ट, और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।